ऐसा है सर, सीलिंग का मसला ये है। पहले ये हुआ करता था कि पुलिस वाले, एमसीडी वाले जो भी हैं, अगर कोई कंस्ट्रक्शन करवाता है तो उससे पैसा लिया जाता था, ठीक है। तो ये जो इनका लेने देने का जो प्रतिक्रिया है, ये जो बंद कर दी गई है, तो इन्हें ज़्यादा वो लग रहा है वो कि पहले मकान जो बनाया करते थे, या लेंटर डालना है तो या तो एमसीडी वाले हाँ आते थे या फिर पुलिस वाले हाँ आते थे हाँ कि भाई या तो पैसा दो हाँ जाओ। ये पहले की प्रतिक्रिया यही थी कि मतलब ऐसा है, पुलिस वाले आए, एमसीडी वाले आए, वो तंग करते थे लोगों को। तो आम जो जनता है वो बहुत परेशान थी इससे, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि आज की डेट में ये है कि अगर इनका बस नहीं चलता, नहीं तो ये सांस लेने पर भी टैक्स लगा दें, ठीक है। और अब जो आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, तो मतलब नए नए वो निकाल रही है कि हाँ ये किस तरह से सरकार गिर जाए और गरीब जनता जो है पिस जाए उसमें। जीएसटी खाली एक वो कर रखा है कि हाँ जीएसटी लो, और आम आदमी पार्टी जो है इस पे रोक लगा रही है। और इसी के कारण से जो है ये परेशान है कि ये काम कैसे कर रहे हैं। पहले उन्होंने एलजी लिया अपने हाथ में, पुलिस वाले अपने हाथ में ले लिए, ठीक है। मतलब इनके पास, आम आदमी पार्टी के पास कुछ भी, किसी तरह से ये चाहते हैं कि सरकार गिर जाए, ठीक है, और बर्क ना हो। और हमारे जो क्या नाम है, बीजेपी के जितने भी हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, इन लोगों का एक ही मन है कि ये सरकार किसी तरह से गिरे और इनका काम रुके और गरीब जनता पीसे। इसमें कोई नहीं, बड़ा आदमी नहीं पीसता इसमें, ये नहीं चाहते कि आम जनता का काम हो, आम जनता का काम हो, ये लोग नहीं चाहते।